हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ यूनिटी। तो आज मैं लेकर आई हूँ गोवा पार्ट टू। अगर आपने गोवा पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज मैं आपको लेकर चलूँगी दिल चाहता है कि जो बहुत ही फेमस लोकेशन है, जो कि है चपोरा फोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। Till my shadow turns to sun rays and I... दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज़ नोन एज पारा एंड दिस रोड इज़ ऑल्सो सोन इन डियर जिंदगी मूवी। तो हम पहुँच गए हैं चपोरा फोर्ट के एरिया में। तो पार्किंग से चपोरा फोर्ट तक आपको हाफ एन किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। 120 स्टेयर्स आपको चढ़ के जाना पड़ेगा और इस पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है, बट पार्किंग फीस लगेगी आपको। 120 स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं चपोरा फोर्ट, जो कि है नॉर्थ गोवा में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये फोर्ट। चाहता मूवी का फेमस पॉइंट। और यहाँ पे खेला तो नहीं है, बस ये थोड़ा सा फील्ड वगैरह बचा हुआ है, ये तो यहीं पे लोग अपना सेल्फी वगैरह लेते हैं। इज माय हस्बैंड, हेलो हाय। चपोरा फोर्ट नॉर्थ गोवा के बरदेज में स्थित चपोरा नदी के ऊपर ऊंचा उठता है। ये फोर्ट मुस्लिम शासक आदिल शाह ने बनवाया था, जिसे पहले शाहपुरा कहा जाता था और जिसका नाम पुर्तगालियों ने चपोरा बदल दिया था। और अब ये बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है गोवा का। और चपोरा नदी के पार साउथ में वेगटोर बीच है और वेस्ट में अरेबियन सी है इसके। ये देखिए कितना खूबसूरत लोकेशन है ये। और जो ये सामने बीच दिख रहा है, ये वेगटोर बीच है, जो यहाँ से केवल 700 मीटर की दूरी पे स्थित है। चपोरा फोर्ट घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं वेगटोर बीच, जो काफ़ी पास है यहाँ से, केवल 700 मीटर। अब हम लोग यहाँ से वॉक करके जाएंगे। काफ़ी गंदगी है बट बीच काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। चलिए, वेगटोर बीच नॉर्थ गोवा के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है, जो विशाल काले चट्टानों, नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरा है और उतना क्राउड नहीं होता है यहाँ पे। काफ़ी क्लीन है ये बीच और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप देखिए पीछे जैसे दिख रहा है आपको। और ये है वेगटोर बीच से चपोरा फोर्ट का नज़ारा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये मेरे पीछे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, आप यहाँ पे आके सी फूड इंजॉय कर सकते हैं और गोवा की ट्रेडिशनल जो डिशेज हैं उनका भी लुफ्त उठा सकते हैं। दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर डे आउट, यहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हैं पूरा दिन आके और इंजॉय कर सकते हैं बीच पे। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के वाटर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे स्पीड बोट, बनाना राइड, एवरीथिंग इज देयर। Oh,
ways, and on and on we'll go. तो फ्रेंड्स ये था गोवा पार्ट टू, पार्ट थ्री भी बहुत जल्दी आएगा तो वेट कीजिए उसके लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।